नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सिलवासा में आज प्रखंड टीम की संरचना की। सिलवासा 4 जून 2023 मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सिलवासा में आज प्रखंड टीम की संरचना की है। जिला मंत्री अमित पटेल, बजरंग दल संयोजक प्रशांत पाटिल, वलसाड जिला से दुर्गा वहिनी एवं मोनाली बहन पाटिल सहित सिलवासा प्रखंड अध्यक्ष इंदल पांडे के नेतृत्व में प्रखंड के टीम की संरचना हुई, जिसमें आज हुई घोषणा ने मुताबिक इंदल पांडे अध्यक्ष, मनीष सिंह कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पृथ्वी प्रजापति मंत्री और हिरेन परमार, मंत्री हिमांशु सिंह, सह मंत्री दीपक मिश्रा और संदीप तंबोगदे, दुर्गा संयोजिका भारती बेंगो तरना, ये संयोजिका पूजा सिंह, बजरंग दल संयोजक विपिन धोका, सह संयोजक ब्रिजेश परमार और केदार शाह, शंकर सिंह, सत्संग संयोजक राजू पंडित और सह संयोजक विजय सहाने, गौ रक्षा हेमंत निम्बालकर, सामाजिक समरसता अभिषेक सिंह, सेवा प्रमुख आर्यन तिवारी, सह सेवा प्रमुख अरुण चौरसिया, धर्म प्रचार प्रसार संयोजक सूरज मिस्त्री और सह संयोजक आनंद भाई अन्ना, धर्माया संयोजक धर्मेश सोलंकी, गौ रक्षा सह संयोजक विवेक शर्मा, अंकित तिवारी और राहुल सोनार और कोषाध्यक्ष कुणाल कटारिया को घोषित किया गया। देखिए इस्लाम खान की यह खास रिपोर्ट और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। हिंदू परिषद बजरंग दल दोनों मिलके जिस तरह आज रामदेव बाबा के यहाँ बैठ के एक मीटिंग का आयोजन किया, उसमें काफी पदाधिकारी जोड़ा है, किस तरह घोषणा करना चाहते हैं मीडियम के माध्यम से? मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे विश्व हिंदू परिषद की जो टीम घोषित आज वलसाड जिला के माध्यम से हुई है और सिलवासा प्रखंड के सभी पदाधिकारी को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के और दुर्गा वाहिनी उनको भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। और हर 3 साल के बाद या 5 साल के बाद यह पदवी की घोषणा होती है और मैं आशा रखता हूँ कि पूरे मेरे जितने टीम की घोषणा हुई है इनके कार्यकाल में एक अच्छा काम हुए विश्व हिंदू परिषद का, और धर्म प्रसार भी आगे बढ़ाए, गौ रक्षा भी आगे बढ़ाए और धर्मांतरण को रोकने के लिए पूरी टीम हमारी सक्षम है और वो भी रोकथाम के लिए हमारी टीम आगे बढ़ाए, कि मैं सभी मेरी टीम को एक आश्वासन देता हूँ और उनके पास से भी आश्वासन लेता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद में बढ़ चढ़ कर अपना काम। जय श्री राम। जो दादरा नवेली में आपको मौका मिला, प्रशिक्षण लिया है, तो क्या दादरा नवेली की बहनों के लिए क्या ये बताना चाहते हैं? मैं एक एक घर की बेटियों को और भाइयों को कहना चाहती हूँ कि हर बेटी को, हर घर में और हर बाप को ये बेटी को प्रशिक्षण देना चाहिए कि दुर्गा वाहिनी प्रशिक्षण लेने के लिए और ऐसे धर्म के जो भी प्रशिक्षण है वो ले करे, जैसे कि साक्षी की हत्या हुई है वैसे साक्षी की जैसी कोई साक्षी ना मरे और खुद का प्रोटेक्ट कर सकती है, यही मैं कहना चाहती हूँ। और जो अभी हमारे नई टीम तैयार हुई है राम सेतु उभारने के लिए, जैसे टीम तैयार हुई थी वैसे टीम तैयार हुई है और वैसा ही लग रहा है, और जैसे हमारे दुर्गा वाहिनी को सबको मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उनको टीम का सौभाग्य मिला है, तो उनका कार्य मतलब अच्छे से कार्य करे और स्वभाव से कार्य करे, यहाँ पे कोई स्वयं सेवक ही है और कोई यहाँ पे ये नहीं है कि दबाव में काम करना है, स्वयं सेवक ही है, सब स्वयं से काम करेंगे। कौन कौन से एरिया से आपने कमेटी बना के आज घोषणा किया? जय श्री राम। पहले तो हमारी कमेटी में चुने हुए सभी पदाधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ उनके पदभार के लिए। एक कमेटी की घोषणा पूरे दादरा नगर हवेली के हर खंड से ली गई है, दादरा से, नरौली से, खानवेल से, रकौली से, चोक मंडी से, सब तरफ के हम लोग जो हमारे सनातन भाई हैं सबको पदाधिकारी बनाया गया है। और विश्व हिंदू परिषद संगठन के साथ साथ जो हमारा पूरा हिंदू समाज है वो सब विश्व हिंदू परिषद के हैं, सब सनातन के हैं, सब संगठन के तहत काम करने वाले हैं। और हमारा संगठन जो आज पूरी टीम के रूप में घोषणा हुई है कि आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और हर कार्यक्रम को सफल बनाएगी। आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने पहले जो हमने रामनवमी की थी वो सिलवासा के इतिहास की सबसे बड़ी शोभा यात्रा थी। तो हमारी कमेटी जिस तरीके से काम कर रही है वो आपके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और धरातल पर भी दिख रहा है। आगे भी हम गांव-गांव जाकर के कमेटी भी बनाएंगे, संघ भी चालू करेंगे और गांव में जो धर्मांतरण का कार्यक्रम जोरों में है हम उसको भी रोकने का काम करेंगे और उसमें हम अपना
आरंभ कर दिया है, शुरुआत कर दी है, आगाज कर दिया और इसको अंजाम तक भी लेके जाएंगे। जय श्री राम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई अगर समाज सेवा करनी है तो उसे पद की जरूरत नहीं है, पद हो नहीं हो, अगर रोड पे भी कोई काम पड़ता है तो उसे तुम काम करो, उसे पद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद में आज बहुत से पद मिले हैं, लेकिन पद के बाहर रह के भी आप विश्व हिंदू परिषद के लिए काम कर सकते हो। रोड पे कुछ हो जाए तो भी आप उसमें आगे बढ़ो, ये नहीं कि उसे छोड़ दो वहाँ से और काम ना करो। आप खाली काम करो, पद की कोई जरूरत नहीं। जय श्री राम।